Hello everyone, myself Mohan and welcome to our YouTube channel DKG Dexterous Zone. So guys, इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट. ओके, सो रेशियो वर्ड का मतलब क्या होता है? रेशियो मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हम दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए अपॉन बी. ओके, एक सिंपल रेशियो है. नाउ अकाउंटिंग में जो हम रेशियोज के डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम अकाउंटिंग वेरिएबल्स लेते हैं और दोनों को कंपेयर करके बेसिकली हम समझते हैं कि बिजनेस की पोजीशन अच्छी चल रही है या गंदी. फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो हम ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है एज कंपेयर टू सेल्स, जिसको हम कहते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ओके, नाउ बिजनेस में रेशियोज क्यों, बिजनेस फर्म्स रेशियोज का क्यों यूज करती हैं, हम एक बार जल्दी से देखते हैं. सबसे बड़ी जो एडवांटेज है रेशियोज की, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, उसको हम एनालाइज कर पाते हैं. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज हम रेशियोज के थ्रू हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं. नाउ लेट अस से एक फर्म है फर्म ए और दूसरी है फर्म बी. फर्म ए का जो रेशियो आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट इज 20% और फर्म नंबर बी का है 25%. So, हम कह सकते हैं फर्म नंबर बी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी कंपनी है एज कंपेयर टू फर्म नंबर ए. ओके, सो बेसिकली हम सेकंड पॉइंट क्या हो गया, हम कंपैरिजन कर सकते हैं. नाउ अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, सो हम वीक एरियाज जो होते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम उसको एनालाइज, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, लेट अस से हमने बहुत सारे एक्सपेंसिस के रेशियो निकाले हैं और उनमें से एक एक्सपेंस का रेशियो है जो एक्सेसिव आ रहा है. सो हम समझ जाएंगे कि जो वो वाला एक्सपेंसेस है हमारे, वो ज्यादा इनकर हो रहे हैं जितने होने चाहिए से. तो बेसिकली हम अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. सो ये तो होती हैं एडवांटेजेस रेशियोज की. ना अगर हम देखें तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं रेशियोज की. फॉर एग्जाम्पल नंबर वन डिसएडवांटेजेस, जो रेशियोज होते हैं हमारे, वो हमारे क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयज, सिंसियरिटी कितनी है कंपनी में, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना ध्यान दे रही है नहीं दे रही है, ये सब चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रही हैं, वो चीजें रेशियोज में नहीं रिप्रेजेंट हो सकती हैं. ओके, नाउ अनदर बिग डिसएडवांटेज ऑफ रेशियोज इज विंडो ड्रेसिंग. सो बेसिकली विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हम अपने अकाउंट्स को मैन्युपुलेट कर देते हैं जिससे हम अपने अकाउंट्स में अच्छी पोजीशन दिखा सकें, जो एक्चुअल पोजीशन से अच्छी पोजीशन दिखा सकें. फॉर एग्जांपल अगर हमें लेट अस से कंपनी चाहती है कि उसका करंट रेशियो 2:1 आए, लेकिन उसे करंट एसेट्स बहुत कम है. सो कंपनी करेगी, कंपनी कुछ फेक एंट्रीज कर सकती है या फिर कुछ स्टॉक खरीद लेगी लास्ट डेट पे, साल के लास्ट डेट पे. ओके, ओवर स्टॉकिंग कर लेगी जिससे कि उसकी इन्वेंट्री बढ़ जाए, और इन्वेंट्री बढ़ जाएगी तो करंट एसेट बढ़ जाएंगे और रेशियो 2:1 आ जाएगा. एक्चुअली में है नहीं, बट कंपनी क्या करेगी उस रेशियो को बढ़ाने के लिए मैनिपुलेट कर सकती है अपने अकाउंट्स को. सो ये होती हैं डिसएडवांटेजेस. नाउ अब रेशियोज में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, पूरी लिस्ट है. अब हम स्लोली एंड स्टेडीली मैं कुछ अगली वीडियोज में दो दो तीन तीन रेशियोज एक वीडियो में डालने वाला हूँ. सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग.